हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने 43 बोलों में 51 रन की पारी खेली। विराट कोहली की यह पारी बहुत धीमी रही, जिससे सभी विराट कोहली की आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब आरसीबी ने यह मैच जीता तो विराट कोहली की यह पारी बहुत ही बहुमूल्य साबित हुई। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आरसीबी और हैदराबाद के मैच के बारे में। आईपीएल का 41वां मैच आरसीबी और हैदराबाद के बीच में खेला गया है। इस मैच में आरसीबी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज करी। आरसीबी के लिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने पारी शुरुआत करी। विराट कोहली ने इस मैच में 43 बोलों में 51 रन की पारी खेली। विराट कोहली की यह पारी बहुत धीमी रही, लेकिन यह टीम के लिए बहुत फायदेमंद रही। कोहली के साथ साथ इस मैच में रजत पाटीदार ने भी 20 बोलों में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। इसके साथ ही कैमरामैन ग्रीन ने भी इस मैच को शानदार फिनिश किया। कैमरामैन ग्रीन ने 20 बोलों में 37 रन की पारी खेली, जिसके चलते बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 200 रन बना डाले। हैदराबाद की टीम के लिए इस मैच में जयदेव उनांकत ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए अब वीडियो में आगे बात करते हैं। 207 रन के लक्ष्य अपेक्षा करने के लिए हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी शुरुआत करी। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 13 बोलों में 31 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के अलावा हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। मिडिल ऑर्डर में शहबाज अहमद ने 37 बोलों में 43 रन की पारी खेली और कप्तान पैट कमिंग्स ने भी 13 बोलों में 31 रन की छोटी सी पारी खेली, जिसके चलते हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 171 रन बना सकी। आरसीबी ने यह मैच 35 रन से अपना नाम कर लिया और आरसीबी के लिए रजत पाटीदार को इस मैच में चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।